नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन गुरु। आज का टॉपिक है हमारा, कैसे टैग डिफाइन करते हैं टीआई पोर्टल में और वो कहाँ पे यूज होता है और वहाँ पे वो कैसे यूज करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक डिफाइन करके रखा है, तो वही मैं यूज कर रहा हूँ। आपको सिंपली ओपन द प्रोजेक्ट व्यू में जाना है। प्रोजेक्ट व्यू जाने के बाद जो अपने डिवाइस कॉन्फ़िगर किया रहेगा वो डिवाइस कॉन्फ़िगर आपको दिख जाएगा। वो डिवाइस कॉन्फ़िगर में जाने के बाद पीएलसी प्रोग्राम जाना है, उसके बाद टैग्स, पीएलसी टैग्स में जाना है, उसके बाद पीएलसी टैग्स टेबल्स करके। अभी यहाँ पे 33 टैग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, बट ये 33 टैग्स अवेलेबल है बट हमें दिख नहीं रहा कौन सा टैग है। वो हमें देखने के लिए आपको सिस्टम का कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टैग जो है डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड है, ये सिस्टम के टैग्स है। तो इसे हम लोग पर्टिकुलर एरिया में यूज करते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा कहाँ पे यूज करते हैं वो। फर्स्ट हमें जो हमारा डिवाइस है उसमें जाना है, और फर्स्ट हमें फर्स्ट स्कैन साइकिल क्या रहती है और कैसे करना है उसमें, वो टैग कौन से रहते हैं और कहाँ पे डिफाइंड करना है ऑटो टैग, वो मैं फर्स्ट आपको दिखा देता हूँ। इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसमें सिस्टम एंड क्लॉक मेमोरी करके दो टैग रहते हैं अलग अलग, जो हमें क्लॉक यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम करते टाइम, तो वो क्लॉक के लिए है। और एक जो हमारा फर्स्ट स्कैन रहते हैं और उसमें ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज ट्रू एंड ऑलवेज फॉल्स करके वो टैग्स रहते हैं, वो टैग्स और क्लॉक। ये क्लॉक जो रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉक रहते हैं। एक 10 हर्ट्स के है, फिर 5 हर्ट्स, 2.5 हर्ट्स, जैसे कि वो कंटिन्यूस आप देख सकते हैं। अभी जैसे कि ये आपने सिर्फ सिंपली क्लिक करना है इसके ऊपर, अनेबल करने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएंगे। फर्स्ट हमें यहाँ पे 33 टैग्स है, अभी यहाँ पे 47 टैग्स है। अभी आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो जो नए टैग है यहाँ पे आ गए हैं, जैसे कि सिस्टम टैग आ गया है, फर्स्ट स्कैन है, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज फॉल्स, डायग्नोस्टिक स्टेटस अपडेट, और ये जो क्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्लॉक है। ये हो गया हमारे सिस्टम के टैग। ओके, अभी नेक्स्ट रहेगा जो ये DI DO जो हम लोग ने असाइन किए हुए हैं डिवाइसेस में, तो वो प्रॉपर PLC में कहाँ पे असाइन करते हैं और कहाँ पे रहते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट आपको PLC के डिवाइस पे क्लिक करना है। जब आपके PLC में कुछ स्पेयर टैग रहेंगे तो वहाँ पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट DI मेरा 0.0 से लेके 0.7 है, और 1.0 से लेके 1.5 है। ये ऑलमोस्ट 15 टैग्स है। अभी यहाँ पे आपको अपने जब नेम दे दिया, मैं नेम सेम ही देता हूँ, I0.0 टैग नेम दे दिया मैंने, 0.0 से लेके I1.5। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो I1.0 से लेके 1.8। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 1.1, वन पॉइंट जीरो से लेके 1.5 तक। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, फिर से जो 47 थे अभी वो 61 हो गए, क्योंकि हम लोग ने टैग ऐड किए उसमें I1.0.0 से लेके 1.5 तक। सेम एज इट इज हमें DOB ऐड करना है। ये एक मेथड हुआ, और एक मेथड बताऊंगा मैं आपको। DOB मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, Q0.0 ड्रैग करूंगा 0.7 तक, उसके बाद Q1.0 इंटर, ओके। ये मेरे यहाँ पे टैग असाइन है, उसका नेम जो है मैंने डिफाइन किया,
जो आपको चाहिए वो नेम आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे और डीओ भी आ गए हमारे, सेम एज इट इज हम एएन एओ भी करेंगे। सिक्सटी फोर AI 66 AO 64 AO 64 सॉरी 66। ओके अब ये मेरे टोटल डिफाइंड हो गए सभी मेरे PLC के, सेम एज इट इज DI फर्स्ट कार्ड के है, सेकंड कार्ड के है। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस है 8.0 से लेके 9.7 तक। अभी मैं यहाँ पे डिफाइंड नहीं करूँगा, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे अलग से एक फोल्डर क्रिएट करना है। वो फोल्डर का नेम क्या दूंगा, मैं रीनेम कर देता हूँ DA_DO। ये बेटर क्यों हुआ, क्योंकि हमें कुछ क्विकली फाइंड आउट करना है, तो ये बेटर रहेगा टैग के थ्रू। अभी ये टैग क्या था, आई 8.0। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 8.0। अभी यहाँ पे भी सेम सेम प्रोसीजर है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जितना चाहिए आपको ड्रैग करो। उसके बाद वाला 9.0 है, 9.0 आ गया। ओके अभी यहाँ पे आप चेक करोगे, मैं जब ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वो टाइम पे 10.0 10.01, बट आप चेक करोगे ना, हमारे पास 10.01 10.01 का टैग नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस है 0.00 एंड 1 का है, सीरीज का 8 एंड 9 का है, और ये 16 का है, बट फिर भी यहाँ पे आ रहा है 10.0 एंड 10.1। ये आने के बाद इसमें डेटा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे डिफाइंड नहीं है। आप जब तक डिफाइंड नहीं करते तब तक उसमें डेटा नहीं रहेगा, वो सिर्फ एक स्पेयर टैग करके यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सेम प्रोसीजर आपने DI ऐड किया, आप DO भी सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो आप चेक करो 8.9 8.9 16 और इस 12.13 है, वैसे ही हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी समझिए, मुझे ये जो एड्रेस है ये मुझे चेंज करना है, ये मुझे 8 एंड 9 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 एंड 3। ओके ये चेंज हो गया। अभी ये क्या एग्जैक्टली हो जाएगा, जो आपका सीक्वेंस था ना वो सीक्वेंस मेंटेन हो जाएगा। अभी ये जो टैग्स है यहाँ पे सभी टैग आप क्या करो, पूरा कट और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। मतलब ये पूरा यहाँ पे देखिए, ये 15 हो गया, ये जो जितने टैग थे वो सब टैग हमारे यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे 8.0 नहीं है, मेरा स्टार्ट किधर से हुआ है, 2.0 से लेके 2.0 से लेके 8.7 और 3.0 से लेके 3.7। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेम एड्रेस दे देना 2.0 क्योंकि आपके PLC में भी वही एड्रेस है, तो वही देना बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये 0.123 से लेके 3 तक आ गया, 0123। अभी मेरा बचा है 16, तो 16 का भी मुझे 4 करना है, तो आप 4 कर सकते हैं, इसको भी आप 4 कर दीजिए, इंटर हो गया। ये भी 4 कर दीजिए 4, सेम प्रोसीजर से आप DO DI सब रीअलाइन कर सकते हैं। हाँ बट अभी यहाँ पे कैसे मालूम है, ऑलरेडी आपके पास 2 एंड 3 अलग के लिए यूज हुआ है, बट आपको फिर भी वो प्रोसेस चाहिए, तो फिर आपको पूरा रीअलाइन करना पड़ेगा। उसके लिए वो
अलाइन करके आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।